सबसे पहले हम अपने इंटरनेट ब्राउज़र पे जाएंगे और www.gst.gov.in टाइप करेंगे, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हमारा जीएसटी का पोर्टल खुल जाएगा। इसके बाद आप ऊपर राइट में देख रहे हैं तीन लाइनें हैं, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब इसमें जाके हम सर्विसेज पे क्लिक कर देंगे, सर्विसेज में जाके रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देंगे। रजिस्ट्रेशन में क्लिक करने के बाद न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देंगे और ये हमारा पेज खुल गया है और यहाँ से हम अपना काम शुरू कर देंगे। और अगर आप एक नॉर्मल तरीके से अपना बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो आपको सेलेक्ट करना होगा टैक्स पेयर। अगर आप पहले कोई काम नहीं करते हैं और आप केवल ई कॉमर्स के थ्रू काम करना चाहते हैं तो आपको IMA टैक्स पेयर सेलेक्ट करना पड़ेगा। और स्टेट में आप अपने स्टेट, डिस्ट्रिक्ट में आप अपने डिस्ट्रिक्ट, और लीगल नेम ऑफ द बिजनेस पे आपको वो नाम लिखना होगा जो आपके पैन कार्ड में है। और परमानेंट अकाउंट नंबर पे आपको अपना पैन कार्ड नंबर डाल देना है। और आपको एक चीज़ और याद रखनी है, जो आप इसमें ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर देंगे, आप अपना वही ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर दीजिएगा जो आपके अपना हो, और किसी का मत दीजिएगा, क्योंकि इस पर रेगुलरली OTP आएगा। तो और किसी का होगा तो आप OTP से मेंशन नहीं कर पाएंगे और आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। तो इसलिए अपना खुद का ईमेल और खुद का ही फ़ोन नंबर का इसमें प्रयोग करें। तो दोस्तों, ये सब तरीके हैं जिसके माध्यम से आप अपना GST का फॉर्म भर के GST ले सकते हैं। और दोस्तों, मैं जो GST का ये फॉर्म भर रहा हूँ, मैंने कोई दुकान नहीं है मेरे पास, और मेरे कोई अपनी कोई बिजनेस के लिए कुछ प्लेस भी नहीं है। मैं अपने घर से इस काम को करना चाहता हूँ अपनी पत्नी के नाम पर, तो हम इसको GST को ले सकते हैं। केवल आपको इन्हीं सब बातों का ध्यान रखना है जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ। तो ये सब दोस्तों आप देख रहे हैं, ये कोड है, इस कोड को आप लिख देंगे और इसके बाद आप प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद हमारे मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे OTP आएगा जिसको आपको फिल कर देना है और फिर प्रोसीड कर देना है। ये मैं मोबाइल से ही बना रहा हूँ, मैंने मोबाइल से ही रजिस्टर किया था। ये हम प्रोसीड कर देंगे और सबसे पहले हम ये जो नंबर लिख रहा है इस नंबर को कॉपी कर लेंगे, क्योंकि ये हमारा नंबर आगे काम आने वाला है। हमने ये प्रोसीड कर दिया है। प्रोसीड करने के बाद अब दूसरा स्टेप ऑटोमेटिकली आ गया, पेस्ट कर देंगे और ये जो नीचे कोड लिखा है इस कोड को यहाँ पर डाल देंगे। इस कोड को डालने के बाद आप प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करते ही आपका जो नेक्स्ट पेज है वो आपका खुल जाएगा। इसमें आपको OTP को वेरीफाई करना होगा। OTP वेरीफाई होने के बाद ही ये नेक्स्ट पेज के लिए आपको लेके जाएगा। तो ये एक तरीका है जिसके द्वारा आप बिना किसी दिक्कत के साथ अपना GST नंबर ले सकते हैं और आप ई कॉमर्स पर बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। क्योंकि मैं भी ई कॉमर्स पर बिजनेस करना चाह रहा हूँ, इसलिए ये मैं ले रहा हूँ। दोस्तों, प्रोसीड करते ही हमारा जो एप्लीकेशन है वो सेव हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा दाएं की तरफ जाएंगे, राइट की तरफ जाएंगे और एक्शन पे नीचे जो पेन सा बना था उस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही हमारा ये नया पेज खुल जाएगा। इसमें बिजनेस डिटेल्स वाला ऑप्शन अपने ऐप सेलेक्टेड है, इसको नीचे जाएंगे और अब हम इसमें ट्रेड नेम में अपना वाला नाम भरेंगे जिस नाम पर हमें बिजनेस करना है, जो कि हमारे पैन कार्ड पे था, जो कि ये पैन कार्ड मेरी वाइफ का है, तो हमने वाइफ का नाम यहाँ भर दिया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, तो इसमें हमें भर देना प्रोप्राइटरशिप, जो कि हमारे स्वामित्व का बिजनेस है। चूँकि हम ई पोर्टल पर काम करना चाह रहे हैं इंडिविजुअली, तो इसमें हमें प्रोप्राइटरशिप भी भरना है अगर हम ई कॉमर्स के थ्रू काम करना चाह रहे हैं। और ये जो ऑप्शन है इनको हमें ऐसे ही रहन देना, इनको सिलेक्ट नहीं करना है, नो जो था ऑलरेडी नो ही रहन देना है इनको। और इसके बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन था, इसमें हमें ये रीज़न टू ऑप्टेन रजिस्ट्रेशन, इसमें हमने सेलिंग थ्रू ई कॉमर्स पोर्टल कर दिया है। और ये जो डेट आ रही है इन दोनों जगहों पर, एक तो डेट ऑफ कमेंस ऑफ बिजनेस पे हमें आज की डेट जिस दिन हम GST भर रहे हैं उस दिन GST नंबर के लिए एप्लीकेशन भर रहे हैं वो वाली डेट हमें इसमें डाल देनी है। और डेट ऑन विच लाइबिलिटी टू रजिस्टर अराइज, इसमें भी हमें आज जो हम रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए अप्लाई कर रहे हैं इसमें भी हमें आज की ही डेट डालनी है, मतलब 4/1/2022 जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हैं उस दिन की इसमें डेट डालनी है। इंडिकेट एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन, चूँकि हमारे पास और कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है इसलिए हम इसको छोड़ देंगे और इसकी ज़रूरत भी नहीं है, इसलिए हमने सेव एंड कंटिन्यू कर दिया है। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे आ गए हैं, यह आप देख सकते हैं। इसमें डिटेल
नेक्स्ट स्टेप में आने के बाद ये ऑटोमेटिकली फिल है सारी की सारी चीज़ें, इसमें फादर का नाम भर देंगे, करणवीर सिंह जो पिताजी का नाम था, इसमें अपनी डेट ऑफ बर्थ भर देंगे, जो हमारी पैन कार्ड और आधार कार्ड पर डेट है वो सेम होनी चाहिए डेट ऑफ बर्थ दोनों जगहों पर, मोबाइल नंबर भर देंगे, ईमेल आईडी भर देंगे, जेंडर पर क्लिक कर देंगे और ये सब चीज़ें हमें बिल्कुल ध्यान रखनी है। इन सब स्टेप को आपको देख के रखना है और इन्हीं स्टेप्स के आधार पर आपको अपना फॉर्म भरना है। इसमें कहीं भी आप गलती मत करना वरना आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन डेजिग्नेशन, इसमें आपको प्रोप्राइटर लिखना है, चूँकि आप ई कॉमर्स पर इंडिविजुअली काम करना चाह रहे हैं तो जो डेजिग्नेशन है स्टेटस पे आपको प्रोप्राइटर ही लिखना है, मतलब मालिक, आप चूँकि मालिक हैं आप इंडिविजुअली काम कर रहे हैं तो इसमें आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और ये DIN नंबर है इसको छोड़ देना है, नेक्स्ट स्टेप इस पर आपको नेक्स्ट स्टेप पे यस कर देना है और आपको अपना रेजिडेंशियल एड्रेस भर देना है। और ये जो आधार नंबर है ये आपको वैध में वेरीफाई होगा, इसलिए आपको फ़िलहाल तो इस पर ना तो आप भर सकते हैं, इसलिए हमने भी छोड़ दिया और हम अपना एड्रेस की डिटेल दे रहे हैं इसमें जी। हमें अपना एड्रेस भर देना है, जो भी जिस हिसाब से भी आपको अपना जो भी आपका एड्रेस होता है वो सारी की सारी चीज़ें इसमें धड़म धड़ाधड़ भरते चले जाएंगे। ये हम अपना एड्रेस भर रहे हैं, आपको अपना एड्रेस वैसे ही भरना है जैसा आपके आधार कार्ड में मेंशन है, उसमें आपको बिल्कुल भी दाएं बाएं नहीं करना है, या आपके जो कंसेंट लेटर में जो एड्रेस है आपको वो भरना है, जो भी आप डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं वाला एड्रेस और ये वाला एड्रेस बिल्कुल सेम होना चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब ये डॉक्यूमेंट मांग रहा है अपलोड फोटोग्राफ, इसमें आपको अपना जिसके नाम का जिसका आधार कार्ड है जिसका पैन कार्ड है उसको आपको यहाँ पे 100 KB तक का फ़ोटो अपलोड कर देना है, चाहे तो आप सेल्फी लेके भी अपलोड कर सकते हैं या जो आपके मोबाइल में गैलरी में फोटोग्राफ है उसी को भी चूज़ फाइल में जाके अपने फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेंगे और आपका फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। बस वो 100 KB का होना चाहिए, या आप दिखा देता हूँ मैं, ये हमारा फ़ोटो अपलोड हो चुका है और आल्सो ऑथराइज सिग्नेटरी को आपको ऑन कर देना है और उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट पेज खुल जाएगा, नेक्स्ट पेज पर आपको प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी को ऑन कर देना है, राइट पे क्लिक आ जाएगा, ये हमारी डिटेल ऑलरेडी सारी की सारी भरी हुई है, ये यस ऑलरेडी है और ये सब चीज़ें हमें एक बार चेक कर लेनी है, सब कुछ हमारा सेम टू सेम ठीक आ रहा है। इसमें प्रूफ ऑफ डिटेल ऑथराइज सिग्नेटरी इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम तो ऑलरेडी अब खुद ही सेल्फ बिजनेस कर रहे हैं, इसको सेव एंड कंटिन्यू कर दिया है हमने। और इसके बाद ये हमें डू यू हैव एनी ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, तो इसको हमें नो ही रहने देना है और हम इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप खुल जाएगा, जो हमारा एड्रेस रहेगा बिजनेस का वो क्या रहेगा, चूँकि हम तो घर से काम करना है इसलिए हम दोबारा अपना घर का ही डिटेल इसमें भर देंगे। और ये सारी की सारी डिटेल भरने के बाद हम सेव एंड कंटिन्यू करके आगे बढ़ जाएंगे। ये देख लीजिएगा, मैं सारी की सारी डिटेल इसमें भर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए ताकि आप इजीली समझ सकें कि किस तरह आपको करना है। ये सारी की सारी डिटेल हम भरते चले जा रहे हैं, हमें अपना दे दिया है सारी की सारी ऐसे के ऐसे ही जैसे था सब कुछ वैसे ही हम भरते चले गए हैं। डिस्ट्रिक्ट विस्ट्रिक्ट सारे की सारी चीज़ें डिटो भर दिया है हमने। और अब मेन आता है स्टेट ज्यूरिडिक्शन, तो जिसको आपको गूगल पर सर्च कर लेना है कि आपका ज्यूरिडिक्शन कौन सा पड़ेगा, कौन सा वार्ड पड़ेगा। मैंने गूगल पर सर्च किया तो मेरा एरिया वार्ड नंबर 1 पड़ता है और काउंसिल चंडीगढ़ पड़ती है, डिवीज़न 1 पड़ता है और रेंज 2 पड़ता है। आप गूगल पर इसको चेक कर सकते हैं और आप पता लगा सकते हैं, तो इसको आपको सोच समझ के ही भरना है, चेक करके ही भरना है। अब उसके बाद दोस्तों नेचर ऑफ पोजीशन ऑफ प्राइमिस, तो इसमें आपको करने देना है कंसेंट, चूँकि दोस्तों ये मेरे नाम पर है और मैं अपनी पत्नी को कंसेंट लेटर के आधार पर अथॉरिटी दे रहा हूँ, तो कंसेंट हमें भर देना है और हमें अपना कंसेंट लेटर की
जो हमने बनवा के लेकर आए थे तहसील से, उसको हमें PDF फॉर्मेट या JPEG फॉर्मेट उसको अपलोड कर देना है, वो भी 100 KB का ही होना चाहिए। ये मैं आपको अपलोड करके दिखा रहा हूँ, ये मैंने इसको PDF में कन्वर्ट कर लिया था, 96 KB में बना लिया था और ये मैं अपलोड कर चुका हूँ। ये देख लीजिएगा, कंसेंट लेटर मेरा अपलोड हो चुका है। और इसके बाद नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी बींग कैरिड आउट एट नंबर मेंशन प्रेमिस। तो दोस्तों, अगर आप का जो घर है वो लोकेलिटी में है, अच्छी जगह पर है, तो आप उसमें रिटेल बिजनेस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, चूंकि मेरे को केवल और केवल ऑनलाइन ही काम करना है, इसलिए मैं इस पर अदर क्लिक करूंगा। और अदर पे क्लिक करने के बाद मैं इसमें स्पेसिफिकली लिख दूंगा कि भाई आई विल परचेज द प्रोडक्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरर एंड आई विल परचेज बाय प्रोडक्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरर एंड सेल ऑनलाइन ऑन फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन। दोस्तों, मैं इसमें ये लिख दूंगा, लेकिन आप इसमें वो भी जो मैंने आपको पहले बताया था, रिटेल बिजनेस भी आप उसमें क्लिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन ही सेल करना चाहते हैं, तो मैं तो कहूँगा कि आप भी यही लिखें, बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक रहेगा और ईज़िली हमारा जो GST नंबर है वो हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है, हैव एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। अगर आपके पास एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है तो आपको यस कर देना और उसकी डिटेल भर देनी है। क्योंकि दोस्तों, हमारे पास तो केवल यही एड्रेस है, इसलिए हमने इसको नो ही रहने दिया और सेव एंड कंटिन्यू कर दिया। सेव एंड कंटिन्यू होती है, हमारा नेक्स्ट पेज खुल गया है। नेक्स्ट पेज पे भी आप देख सकते हैं डिटेल ऑफ एडिशनल प्लेस ऑफ योर बिजनेस, इसमें लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट इफ़ यू नीड टू एड ऑन एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, तो आपको पिछले वाले पेज पे जाना और तो डिटेल यस करके आपको एडिशनली डिटेल भर देनी है। चूँकि दोस्तों, हम तो अपने इसी जगह से बिजनेस करेंगे, इसलिए हम कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करते ही हम नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। हमने कंटिन्यू कर दिया था, कंटिन्यू करते हम नेक्स्ट पेज पर आ गए हैं और अब ये मांग रहा है डिटेल ऑफ गुड्स कमोडिटीज सप्लाइड बाय द बिजनेस। तो दोस्तों, इसमें सर्च पर जाके HSN चैप्टर बाय नेम एंड कोड, इस पर हम जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसको लिख के सर्च कर लेंगे, ये ऑटोमेटिकली उठा लेगा। तो दोस्तों, इस तरह हम अपने जो भी हमारे प्रोडक्ट हैं, हम 5 उसमें प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको डायरेक्टली अपने नंबर से इसको आप गूगल पे भी इसका नंबर लेके डायरेक्ट इस पर लिख के आप सीधा ऐड कर सकते हैं, या आप अपना एक प्रोडक्ट को यहाँ पे लिख के उसको टाइप करके आपका प्रोडक्ट की डिटेल आ जाएगा, उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे लिस्ट ऑफ गुड्स से मैंने ये 5 आइटम सेलेक्ट किए हैं, चाहे तो आप यही नंबर उठा के वहाँ लिख सकते हैं एंड हम सेव एंड कंटिन्यू कर दिया है। अब उसके बाद दोस्तों, ये मांग रहा है, नेक्स्ट स्टेप आ गया, स्टेट स्पेसिफाई इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों, चूँकि कुछ स्टेट में ये सब ज़रूरी होता है, तो आपको ये भरना कंपलसरी है। चूंकि मेरे यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है, तो इसलिए हमने इसको छोड़ दिया और सीधा 7 कंटिन्यू कर दिया। अब ये आधार ऑथेंटिकेशन मांग रहा है। आप जैसे ही इसको 7 कंटिन्यू करेंगे, आपका जो रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर है जो आपने दिया था और ईमेल एड्रेस है जो आपने दिया था, उस पर OTP आएगा और OTP आते ही आपको इसमें जो वहाँ पर आपको जो OTP आपकी ईमेल आईडी पे आएगा, आपको वहाँ पे उसको क्लिक करना है और आपको डिटेल भर देनी है। और जैसे ही आप उसको डिटेल करके OTP के साथ उसको वेरीफाई करेंगे, आपको जो फॉर्म है वो सक्सेस हो जाएगा। ये मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ। जैसे ही मैंने 7 कंटिन्यू किया, ये वार्निंग आई है और वार्निंग आते ही मैंने इसको ओके कर देना है। ओके करते ही मेरे पास इन्होंने ये वाला पेज खुल गया है, ड्यू डेट कंप्लीट 19/1 और वेरिफिकेशन वाला ये नया खुल गया, IRB फॉर्मली ये हमें सेलेक्ट कर देना है, नेम ऑफ अदर सिग्नेचरी इसको हमें सेलेक्ट कर लेना है। ये चूँकि हम सेल्फ हैं, इसलिए हमने इसको अपना और ऑटोमेटिकली इसमें हमारा नाम आ गया, तो उसको सेलेक्ट कर लिया है। प्लेस चूँकि हम चंडीगढ़ से भर रहे हैं,
चंडीगढ़ से हमने भर दिया है डेजिग्नेशन, चूँकि दोस्तों हमने प्रोपराइटर सेलेक्ट किया था वो सेल्फ आ गया है, डेट 4 तारीख को भरा था इसलिए वो वाला आ गया, इसलिए हमें सबमिट विद ईवीसी पे अब क्लिक कर देना है। जैसे हम सबमिट विद ईवीसी पे क्लिक करेंगे वैसे ही हमारा जो जो ये है इसमें ओटीपी मांग लेगा जो हमारे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे आया होगा। हम जैसे ही इसमें ओटीपी डालेंगे, ओटीपी डालते ही हम इसको वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे और ये देख लीजिएगा दोस्तों हमारा सक्सेस आ गया है, थैंक यू फॉर सबमिशन, सिस्टम इज़ वेरीफाइंग, वैलिडेट इज़ इन्फॉर्मेशन सबमिट बाय यू, एक्नॉलेजमेंट विल बी मेड अवेलेबल इन योर रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस। ये हमारे ईमेल पे आधे घंटे बाद ये मेल आया था, इस मेल पे हमें प्लीज़ क्लिक द प्रोफाइल लिंक क्लिक हेयर, जो क्लिक हेयर था इस पर हमें क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही ये हमारी ऑटोमेटिकली डिटेल यहाँ मैंशनड थी, इसमें जो ये रेड कलर में टिक को रखा यह हमें खुद करना है, हम प्रमाणित करते हैं और ऑथराइज करते हैं उनको, और हमें इसमें ऊपर आधार सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद ये अपने आप ऑटो में ही हमें ये देख लिया आधार नंबर सेलेक्ट था और हमारे पास जो ओटीपी आया था उसको हमने डाल के इसको वैलिडेट ओटीपी भी कर दिया, इसलिए हमारा सक्सेसफुल हो गया है। तो कुल मिला के दोस्तों हमारा ये कंप्लीट हो चुका है, इसलिए हमारे नेक्स्ट जो ईमेल आया था वह आधार वेरीफाइड सक्सेसफुली, ये हमारा मैसेज ईमेल पे आ गया था, तो हमारा आधार कंप्लीट हो गया है। और हम ईमेल पे हमारे पे दूसरा मैसेज भी आ गया है, इंटीमेशन एयरन जनरेटेड डेटेड ये ट्रिपित योर एप्लीकेशन फॉर न्यू रजिस्ट्री ऑफ GST इस चंडीगढ़ सबमिटेड सक्सेसफुली, हमारा जो GST रजिस्ट्रेशन का फॉर्म था वो कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों ये एक सिंपल तरीका था घर बैठे अपने मोबाइल से GST नंबर बनवाने का। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा।